नमस्कार दोस्तों, इतिहास के बहुत सारे इवेंट्स हमने पढ़े, पर आज जो इवेंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो इवेंट्स भारत के स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो घटनाएं हैं, ये जो इवेंट्स थी, ये एक लार्ज स्केल पर इंडिया में पूरा इसका इंपैक्ट दिखता है। नेशनल मूवमेंट को एक मूवमेंट को एक नेशनल मूवमेंट के तौर पर कैसे सामने लाया जाता है, ये इस मूवमेंट से हम आज पढ़ेंगे। तो भारत में हमने देखा कि आईएनसी की भी स्थापना हो गई थी, उसके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज भी हमने पढ़े। बट आगे में क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फेज में हमें बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं मूवमेंट शुरू होने होती दिखाई देती है, जिसको हम आज पढ़ेंगे। अभी जैसे गांधी जी का उदय कैसे होता है और गांधी जी के आने के बाद यहाँ की जो मूवमेंट है वो कौन सा रूप लेती है, ये भी जानना जरूरी है, तो यही आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है, सबसे पहला पॉइंट है इंडिगो रिवॉल्ट। इंडिगो मतलब नील। अभी ये नील उत्पादन जो करने वाले किसान थे वो बंगाल या फिर ईस्टर्न इंडिया के, जो ईस्टर्न इंडिया का जो एरिया है उस एरिया के किसान थे। अभी ये किसान का क्या प्रॉब्लम क्या था, तो ये जो नील थी, ये नील का जो उत्पादन था, ये उत्पादन लेने के लिए उनके जमीनों में उगाने के लिए लोगों पर इम्पोज किया जाता था, दबाव बनाया जाता था। किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, कि आपको कोई भी अनाज का धान्य नहीं लेना है, कोई भी दूसरा धान्य नहीं लेना है, आप लेंगे तो लेंगे सिर्फ नील का उत्पादन। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों था, तो उस समय देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था और जिसके तहत कॉटन और जो भी क्लॉथ थे वो बहुत सारे प्रमाण में बनते थे और उसी के लिए इंडिगो इंपॉर्टेंट था। तो इंडिगो खेत से उगालने के लिए इन किसानों पर दबाव बनाया जाता था, बट इसका परिणाम ये होता था जिस भी खेत में इस इंडिगो का उत्पादन होता था वो जमीन आगे आने वाले 5 साल के लिए नापी खो जाती थी। तो ये एक इसका ड्रॉबैक था, करके किसानों ने इसका अपोज किया। अभी अपोज कैसे किया और आगे क्या होता है ये भी हम जानते हैं। अभी ये क्या हुआ है कि नाडिया डिस्ट्रिक्ट में हमें यहां पर लोगों ने स्ट्राइक किया हुआ दिखाई देता है 1860 में, और इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया है, हरिश्चंद्र मुखर्जी, जो हिंदू पैट्रियट के एडिटर है। अभी यहां पर ये याद रखना है कि इंडिगो इवेंट किस कारण से हुआ था और क्यों किसानों ने उस बात का अपोज किया। अभी नेक्स्ट आते हैं, अभी ये जो इंडिगो के अगेंस्ट में रिवॉल्व होते हैं, किसानों के ऊपर इंपोज तो किया जाता था, इसका किसानों ने तरह तरीके से अपोज किया। अभी ये जो सारी घटनाएं हमें आज पता चलती है वो हमें कौन से साधनों से पता चलती है, जैसे नील दर्पण नाम का एक प्ले लिखा था, किसने, दीनबंधु मित्र ने। ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, नील दर्पण ये जो एक्ट प्ले है ये किसने लिखा है, तो वो है दीनबंधु मित्र। इन्होंने क्या किया है कि ये किसानों की हकीकत हमें इस प्ले में दिखाई है, किन किसानों की, जो इंडिगो का कल्टीवेशन करते थे। अभी माइकल मधुसूदन दत्त, ये जो बंगाली पोएट थे, इन्होंने नील दर्पण को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, एक मतलब बड़े पैमाने पर लोगों को वो नील दर्पण का मैसेज लोगों की तरफ कन्वे हुआ। आगे देखते हैं कि देखो चंपारण सत्याग्रह में, चंपारण इस एरिया में भी एक रिवॉल्ट होता हुआ दिखाई देता है इंडिगो के अगेंस्ट में। चंपारण कहां पर है, तो आज के बिहार में। अभी नेशनल कांग्रेस की क्या क्या इवेंट्स आती है ये हम जानेंगे। एक जैसे मैंने आपको आईएनसी की फॉर्मेशन तो बता दी थी, बट एक फास्ट में मैं आपका एक रिवीजन लूंगा आईएनसी के फॉर्मेशन का। तो देखो एलन ह्यूम, इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी, कब की थी, तो वो थी 1885 में। तो भारत में उसके सबसे बड़े
सपोर्टर कौन थे, तो वो थे दादा भाई नवरोजी, जिनको ग्रेट ग्रैंड फादर भी कहा जाता है। तो 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अभी ये कांग्रेस कहाँ स्थापन की गई थी और कहाँ इसका पहला सेशन हुआ था, तो वो थी मुंबई, मतलब उस समय का बॉम्बे। और उस बॉम्बे सेशन में 72 डेलीगेट्स ने उस सेशन को अटेंड किया था। पहले सेशन को कितने मेंबर्स थे, 72। आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, करके याद रखो, वेमेश चंद्र बैनर्जी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सेशन। ओके, और उसके बाद में क्या है, एक कदम्बिनी गांगुली वॉज द फर्स्ट वुमन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी हु एड्रेस द कांग्रेस सेशन। मतलब ये मैं कहा की बात कर रहा हूं बॉम्बे सेशन की ही। तो वहां पर कदम्बिनी गांगुली नामक ये जो वुमन थी, उसने सबसे पहले, वो सबसे पहली महिला थी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड थी, और उसने कांग्रेस के पहले सेशन को एड्रेस किया था, ये बात याद रखो। अभी ये जो कांग्रेस थी, ठीक है, ये जो कांग्रेस थी, इसमें सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। मैंने कहा था आपको आईएनसी की पहली फेज मॉडरेट फेज थी। मॉडरेट फेज और एक्सट्रीमिस्ट फेज दोनों अलग कैसे होते, ये भी मैंने बताया था। बट मॉडरेट फेज के समय में सबसे पहले एक्सट्रीमिस्ट कौन थे मॉडरेट फेज में, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। आगे जैसे उनको सपोर्ट मिलता गया और अपने विचारधारा वाले लोगों का, तो उन्होंने एक्सट्रीमिज्म की मांग की कि आईएनसी अभी मॉडरेट फेज के फिलॉसफी पर नहीं चलेगी, आज से जो फिलॉसफी लागू होगी वो होगी एक्सट्रीमिस्ट फिलॉसफी। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि उनका योगदान क्या था। उनके बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि उन्होंने मराठा और केसरी नामक न्यूज़पेपर शुरुआत किए थे। मराठा कौन सी लैंग्वेज में था, तो वो था इंग्लिश में। केसरी कौन से लैंग्वेज में था, तो वो था मराठी लैंग्वेज में। स्टेटमेंट्स है ये, इनको याद करना ही पड़ेगा, आप याद रखो। तो लोकमान्य तिलक जी ने क्या किया, ये जो फ्रीडम मूवमेंट है या फिर अपनी जो फिलॉसफी है, जो उनको कहना है, वो लार्ज स्केल पर जाने के लिए उन्होंने शिव जयंती और गणेश उत्सव जैसे पब्लिक इवेंट्स शुरू कर दिए। अभी गणेश उत्सव घर घर में तो हम मनाते थे, बट अगर उसको सार्वजनिक गणेश उत्सव का नाम दिया जाए और सारे लोगों को एकत्रित करके गणेश उत्सव मनाने की संधि दी जाए, तो वहां पर लोगों की आपस में चर्चा होगी, एक दूसरे के विचार वो जानेंगे और उससे कुछ तो नया सोल्यूशन मिलेगा। और इस ये जो मॉब है, इसको हम फ्रीडम मूवमेंट में भी काम में ला सकते हैं। ये विचारधारा थी किनकी, लोकमान्य तिलक की। शिव जयंती, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी जयंती शुरुआत करना लार्ज स्केल पर यहां पर शुरू कर दिया। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की सबसे पहली जयंती महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने सेलिब्रेट की थी, बट उसको एक लार्ज स्केल पर, एक सार्वजनिक तौर पर अगर किसी ने सेलिब्रेट किया होगा, तो वो थे लोकमान्य तिलक। अभी गणेश फेस्टिवल 1893 में और 1895 में शिव जयंती। अभी मोस्ट आउटस्टैंडिंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे, तो बिपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष थे, लाला लाजपत राय थे, और लोकमान्य तिलक का तो नाम है ही। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल एक बड़ी प्रोविंस थी, याद रखो। सबसे पहला एरिया कौन सा कैप्चर किया था ब्रिटिशों ने, तो वो था बंगाल का ही। अभी ये बंगाल का एरिया जो था, ये ज्योग्राफिकली बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन भी बड़ा था। अभी यहां पर हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम भी रहते थे, और जैसे ही शुरुआत की घटनाएं हमें भारत में ब्रिटिशों के अगेंस्ट की जो मूवमेंट्स होती है, वो यहां से बड़े पैमाने पर हमें दिखाई देती है। बट क्या होता है कि ये जो यहां पर इवेंट होती है, यहां पर जो काला चिट्ठा ब्रिटिशों के अगेंस्ट में इंडियंस शुरू कर देते हैं, उसको डिप्रेस करने की, उसको डिस्ट्रॉय करने की जरूर कोशिश करेंगे ब्रिटिश, और इसी का परिणाम है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिशों ने क्या किया कि अगर यहां के हिंदू और मुस्लिमों में फूट डाल दी जाए तो काम आसान हो सकता है, यहां पर फ्रीडम मूवमेंट खत्म ही हो सकती है, ये तो आपस में ही झगड़ेंगे। इसी के लिए यहां पर पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक्ट लागू किया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल की मांग की गई, ब्रिटिशों के द्वारा इंपोज भी करना चाहा। अभी होता क्या है
कि वेस्टर्न जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हिंदू रहेंगे और पूर्व बंगाल में इस्लाम रहेंगे, ऐसा ही पार्टीशन था। अभी पार्टीशन जाति के आधार पर करना है इसके लिए तो उन्होंने ये तो नहीं कहा सीधा सीधा, बट जाति के आधार पर ही किया था। ठीक है, ब्रिटिशों ने एक लीगल कारण यह बताया कि ये प्रोविंस बहुत बड़ा है, इसको हैंडल करना हमें नहीं, हमें हमारे आपस की, हमें हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इतना बड़ा प्रोविंस है इसको हैंडल करना आसान बात नहीं है, करके हम इसको स्प्लाइट कर रहे हैं, दो भागों में विभाजित करना चाहते, ऐसा ब्रिटिशों ने रीजन बताया। बट एक्चुअल रीजन क्या था, तो हिंदू और इस्लाम दो धर्म के लोगों में फूट डाल। अभी आगे क्या होता है, 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन, नाम याद रखो, लॉर्ड कर्जन, इन्होंने बंगाल प्रोविंस को टू पार्ट्स में डिवाइड करने के ऑर्डर्स दिए। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 20 जुलाई 1905। अभी ये जो था एक कम्युनल गल्फ था बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जैसे मैंने आपको कहा था, यहां से ही एंटी पार्टीशन मूवमेंट हमें शुरू होती दिखाई देती है। अभी लोगों ने इस घटना का विरोध बोलने से तो किया, प्रदर्शन से तो किया, कुछ ऐसी इवेंट्स भी की जिसके द्वारा उन्होंने ये बंगाल पार्टीशन का विरोध किया, जैसे हम देखते हैं। अभी एंटी पार्टीशन मूवमेंट में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कृष्ण कुमार मित्र ये हेड थे। अभी रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर ने इस पार्टीशन के खिलाफ एक नेशनल सॉन्ग बनाया। एक बहुत ही बड़े कवि थे, नोबेल पारितोषिक से सम्मानित थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने आज भारत का हमारा क्या लिखा है, राष्ट्रगीत लिखा है। अभी आमार सुनार बांग्ला ये जो गीत है ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस समय में लिखा था। तो ये गाना लोग रस्तों पर गाने लग गए और पार्टीशन का अपोज करने लग गए। कौन सा गाना था? आमार सुनार बांग्ला। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आगे क्या होता है ये भी देखते हैं इस पार्टीशन के तहत। अभी ये जो सॉन्ग था आमार सुनार बांग्ला 1971 में, बांग्लादेश ने इसको अपना राष्ट्रीय गीत बना लिया, नेशनल एंथम बना लिया, राष्ट्रगीत। तो ये बात याद रखो, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, आमार सोनार बांग्ला। वंदे मातरम ये जो सॉन्ग है ये नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल, ये भी लोगों ने यहां पर यूज किया अपोज करने के लिए। लोग ये रस्तों पर ऐसे गाने, देशभक्ति के गाने या फिर मातृभूमि से जुड़े हुए गाने, लोग रस्तों पर आकर गाने लग गए थे। अभी उस समय में रक्षाबंधन का भी फेस्टिवल सामने ही था, तो रक्षाबंधन के फेस्टिवल में हम क्या करते हैं, हमारी बहन हमारे हाथों में राखी बांधती है। बट यहां पर हिंदू मुस्लिमों ने हम एक दूसरे के प्रति आत्मभाव और एक दूसरे के प्रति प्रेम और यूनिटी दिखाने के लिए क्या किया, हिंदुओं ने मुस्लिमों के रिस्ट पर राखी बांधी, मुस्लिमों ने हिंदुओं के रिस्ट पर राखी बांधी। देखो दोनों के कल्चर अलग है बट राष्ट्र प्रथम ये भावना यहां पर दिखाई देती है, मातृभूमि प्रथम ये भावना यहां पर दिखाई देती है। तो यही से नेशनलिज्म के बीज जो है लोगों के मन में एक लार्ज स्केल पर एक बड़े डीप रूट तक यहां पर बोए गए। कौन से रूट? नेशनलिज्म के रूट। तो ये राखी का सन जो था इससे लोगों ने यूनिटी दिखाई, अनब्रेकेबल यूनिटी अमंग दोज हिंदू एंड मुस्लिम। तो ये बात याद रखनी है, 16 अक्टूबर 1905 में रक्षाबंधन की जो सेरेमनी है हिंदुओं और मुस्लिमों में एक साथ ही सेलिब्रेट की। अभी आगे होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या है? तो भारत में ही यूज किए, भारत में ही निर्माण किए गए जो भी उत्पादन है वही भारतीयों ने यूज करने चाहिए। अभी ना सिर्फ उत्पादन बल्कि एजुकेशन और हॉस्पिटल के जो भी दवाखानों से जो भी हम सेवा लेते हैं वो भी, जो भी सेवाएं हैं वो भी हम भारतीयों द्वारा ही लेंगे, ब्रिटिशों का हमें कोई लेन देन नहीं। अभी ये जो मूवमेंट है स्वदेशी, स्व मतलब हमारा, देश मतलब कंट्री, हमारे कंट्री में यूज किए जाने वाली चीजें हम यूज करेंगे, हमारी कंट्री में बनाई जाने वाली ही चीजें
भारतीयों ने यूज करनी चाहिए, ऐसा इस मूवमेंट का मोटिव था। अभी ये मूवमेंट शुरुआत कैसे होती है ये भी हम देखेंगे। अभी ये जो परिणाम था ये ब्रिटिशों के पार्टीशन के एक्ट के खिलाफ ही था, पार्टीशन की पॉलिसी जो उन्होंने रखी थी उसके खिलाफ ही था ये, कि भारतीयों ने पूरे वेस्टर्न एजुकेशन वेस्टर्न प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर दिया, हटा दिया, नहीं चाहिए। यह मूवमेंट है स्वदेशी मूवमेंट। अभी ये मूवमेंट आगे कैसे बढ़ती है ये भी हम जानते। लोगों को मालूम था कि बंगाल में डिमोनिस्ट्रेशन पब्लिक मीटिंग्स एंड रिजोल्यूशंस इससे कुछ नहीं होने वाला, इसमें इससे लोग ब्रिटिशों के ऊपर कोई परिणाम नहीं होने वाला। तो उन्होंने क्या किया, स्वदेशी मूवमेंट शुरू की, स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट। मतलब जैसे एजुकेशन है या फिर हॉस्पिटल के सेवा है उसके ऊपर उन्होंने बंदी लागू शुरू कर दी, कोई जाएगा नहीं, कोई यूज नहीं करेगा। तो अभी यहां पर क्या होता है, पीपल बर्न फॉरेन क्लॉथ्स एंड फॉरेन गुड्स, जो भी सामान था उनके पास लोगों के पास। अभी जैसे हमारे यहां पर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर बॉयकॉट चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, धर रहे, टीवी फोड़ रहे हैं, जो भी चाइनीज आइटम है उसको हम खरीदी भी कर नहीं रहे हैं। तो ये जो है ये बॉयकॉट है। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो, मतलब भारत में बनाई गई चीजें भारतीयों ने यूज करनी चाहिए, ना कि चाइनीज चीजें। यही स्वदेशी मूवमेंट है, यही उस समय में लाया जाने वाला एक, उस समय में भी एक अपोज करने वाला किसी देश का या किसी विचारधारा का विरोध करने वाला एक शस्त्र था स्वदेशी मूवमेंट। आज भी हम वही कर रहे हैं। तो याद रखो चाइनीज प्रोडक्ट्स हमें नहीं खरीदी करना है, आपने ये बात समझनी चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो ये देखो ऐसे देश में विभाजन डालने की या फिर हमारा देश फिर से काबू में लाने की इकोनॉमिकल इंपैक्ट, जैसे देखो ब्रिटिश भी भारत में इकोनॉमिकल पर्पस से ही आए थे, बट यहां पर वो शासक बन गए जैसे मैंने कहा। तो अभी हमारी नीड बन चुकी है चाइनीज प्रोडक्ट्स। हम भी क्या करते हैं, जान दो ना क्या होता है, चाइनीज भाई एक खरीद लेता हूं तो, एक ने खरीद लिया तो क्या होता है। बट याद रखो आपके जैसे सोचने वाले यहां पर 130 करोड़ लोग हैं, वो भी आपके तरह से ही सोचते हैं कि मैंने एक अकेले ने खरीद लिया तो क्या होता है। बट कैसा है कि आपको इस बात की याद रखनी है कि हमारा देश का एक्सप्लॉयटेशन है, हमारा देश एक तरीके से बंदी बन रहा है इकोनॉमिकल वे से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है आगे आने वाले समय में भी। अभी ये स्वदेशी मूवमेंट यहां पर शुरू होता है। अभी आगे में हम जानते हैं कि और इसका परिणाम क्या होता है। जैसे मैंने कहा था कि नेशनलिस्ट एजुकेशन भारतीयों ने शुरू किया, भारत में ही शुरू हुए कॉलेजेस में भारत ने भारतीय लोगों ने पढ़ना चाहिए, जो भारतीयों द्वारा ही वहां पर पढ़ाया जाता है। और क्या पढ़ाया जाता है, तो हमारी ही देश के बारे में, हमारा ही देश के इतिहास के बारे में, हमारी ही संस्कृति के बारे में, यहां पर ही निर्माण हुए कल्चर लिटरेचर और साइंस के बारे में ही यहां पर पढ़ाया जाएगा, ना कि वेस्टर्न एजुकेशन। इसको नेशनल एजुकेशन की कंसेप्ट बताया गया है। क्या पढ़ाया जाएगा, तो नेशनल एजुकेशन पढ़ाया जाएगा। तो ये एक बॉयकॉट का एक शस्त्र था। अभी जैसे मैंने कहा था फिजिकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, लिटरेरी एजुकेशन है। अभी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन ये अरविंद घोष द्वारा यहां पर स्थापित की गई, अरविंद घोष भी बंगाल के ही थे। तो इन्होंने क्या किया, अरविंद घोष वॉज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनल कॉलेज। नेशनल एजुकेशन वाले कुछ कॉलेजेस यहां पर बने थे और उस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे, तो वो थे अरविंद घोष। और नेशनल एजुकेशन देने वाली काउंसिल कौन थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1906 में। अभी अरविंद घोष का भी हमने पहले भी जिक्र किया था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में, तो ये नाम आपको याद रखना है। अरविंद घोष ने क्या किया था, अरविंद घोष ने किया था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, इसकी स्थापना की थी, कब की थी, 1906 में। और अरविंद घोष को अपॉइंटेड किया गया उस कॉलेज में फर्स्ट प्रिंसिपल
ऑफ द नेशनल कॉलेज के तौर पर पद पर। ये बात यहां पर याद रखनी है। अभी कलकत्ता में जो सेशन होता है, ठीक है, कलकत्ता में सेशन होता है 1905 में। अभी पार्टीशन की घटना नई नहीं रहती है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। तो इस कांग्रेस के सेशन में ये डिसीजन लिया जाता है सारे सदस्यों द्वारा कि ब्रिटिश गुड्स पर बॉयकॉट किया जाए, ब्रिटिश गुड का त्याग किया जाए, और यही से हमारी स्वदेशी मूवमेंट शुरू होती है। कौन से सेशन में निर्णय लिया गया? तो वो था कलकत्ता का सेशन। कब हुआ था? 1905 में। ये बात याद रखनी है। अभी स्वदेशी मूवमेंट ये एक एक्सट्रीमिस्ट फिलोसॉफी की मूवमेंट थी। हमें पता चलता है कि लोकमान्य तिलक जी का पूरा काम एक्सट्रीमिज्म पर ही डिपेंड था, और इसका अगर आप स्वरूप देखते हो बॉयकॉट मूवमेंट का या फिर स्वदेशी मूवमेंट का, तो ब्रिटिशों के सामान को जला देना, ठीक है, ब्रिटिशों के जो भी कारखाने थे उनका त्याग कर देना, वहां पर कोई वर्कर्स नहीं जाएगा, पूरा काम बंद हो जाएगा, नेशनल एजुकेशन पर भर देना, और इसका जो बात रखने का जो तरीका था वो कोई आसान नहीं था। मतलब जाओ याचनाएं करो या फिर पिटिशंस रखो, नो पिटिशंस और नो प्रेयर, सीधा डायरेक्ट क्या हमें ये करना है और हम करके रहेंगे, ऐसा फंडा था लोकमान्य तिलक जी का। तो इनके साथ में कौन कौन थे? लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, जिनको लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अरविंद घोष भी एक स्वदेशी मूवमेंट के बड़े ही इंपॉर्टेंट लीडर थे, ये आपको याद रखना है। अभी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुस्लिम लीग से ही आगे चल के हमारे भारत का पार्टीशन होता है भारत और पाकिस्तान में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो होता क्या है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन होती है, और इसके लीडर कौन होते हैं? आगा खान, नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इंपॉर्टेंट लीडर है। और कब स्थापना हुई थी? 1906 में। अभी इनकी मांग क्या थी? तो इनकी मांग थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट देने चाहिए, किनको? मुस्लिम कम्युनिटी को। बट आईएनसी ने इसका अपोज किया, क्योंकि उस समय में उन्होंने ना माइनॉरिटीज, ना कोई कम्युनिज्म, ना कोई कास्ट, ना कोई रिलीजन, किसी बात को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सबसे पहले कहा भारत प्रथम, आगे की बात बाद में देखेंगे कि किसको यहां पर माइनॉरिटी घोषित करना है, किसको नहीं। बट मुस्लिम लीग ने यही से उनकी मांग रखी। ये जो मुस्लिम लीग थी, भारत में पार्टीशन जो हुआ था, ब्रिटिशों का जो एजेंडा था कि फोड़ा आणि राज्य करा, मतलब तोड़ दो और यहां पर राज शासन करो, इनकी जो यूनिटी है उसको तोड़ो, और यूनिटी टूटने के कारण ही हम यहां पर ज्यादा से ज्यादा राज कर सकेंगे, यही मीनिंग था उसका। और जिसमें मुस्लिम लीग की स्थापना होती है तो उनका उद्देश्य यहां पर सफल होता है। अभी आगे क्या होता है कि ये जो है मुस्लिम, जो है मुस्लिम लीग के द्वारा हमें यहां पर ब्रिटिशों का एक डिक्लेयर दिखता है, तो वो क्या कहते हैं? दैट दे वुड प्रोटेक्ट द स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स। जैसे मैंने आपको कहा था, ब्रिटिशों को यहां पर कोई भारतीयों के प्रति कोई आत्मीयता नहीं थी, कोई सहानुभूति नहीं थी। अभी यहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना होने के वजह से उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों ने क्या किया, यहां पर मुस्लिम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, मेजॉरिटी में हिंदू कम्युनिटी थी, तो जो कम्युनिटी यहां पर छोटे पैमाने में है उनके ऊपर ब्रिटिशों ने दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, यही बात है। यहां पर क्या होता है कि ब्रिटिशों ने उनकी तरफ अगर आत्मीयता दिखाई तो उनको भी लगता है कि हाँ हमारा सपोर्ट है, हमारा भी कुछ तो यहां पर होना चाहिए। तो इस्लामी जो लीग थी, मुस्लिम लीग, इसके लीडरों ने अपनी मांग बड़े जोर से अगेंस्ट में रखी। किसके अगेंस्ट में? आईएनसी के अगेंस्ट में। तो ब्रिटिशों का एक एजेंडा था जिसके द्वारा भारतीय मुस्लिमों और हिंदुओं में फूट डाल दी जाए।
तो आगे में पढ़ते हैं कि सूरत फ्लाइट और सूरत सेशन इंपॉर्टेंट फ्रीडम मूवमेंट में से इंपॉर्टेंट एक घटना है। जैसे इंटरलिंकेजेस कोई नहीं है, अभी स्वदेशी मूवमेंट या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, ये सूरत फ्लाइट, ये जो है इसके लिंकेजेस आपको बाद में दिखाई देंगे, बट यहां पर ये अलग अलग पॉइंट के तरह ही हमें पढ़ने हैं। तो हर एक स्लाइड में जैसे जैसे पॉइंट देते हैं या फिर जैसे जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं उसको आपको लिख कर रखना है, याद रखना है। अभी सूरत स्लाइड और सूरत सेशन, मैंने आपको कहा था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट फेज पढ़ाते समय कि भारत में दोनों फिलोसॉफी एक दूसरे से अलग होती है, कहां से? सूरत सेशन से ही। और उसका रीजन भी क्या था? तो लोकमान्य तिलक जी जो एक्सट्रीमिस्ट फिलोसॉफी के थे वो सेशन के हेड बनना चाहते थे जो नागपुर में होने वाला था, बट इसका अपोज किया जाता है और सेशन कहां पर रखा जाता है? बॉम्बे प्रोविंस में, मतलब सूरत में, और होम प्रोविंस के जो लोग थे वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, इसीलिए लोकमान्य तिलक को प्रेसिडेंट के पद से डायरेक्ट बाहर किया गया। अभी यहां पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फिलोसॉफी के लोगों में एक दूसरे में ताना बाना शुरू होता है और यही से एक दूसरे के झगड़ों के वजह से ही मॉडरेट फिलोसॉफी अलग हो जाती है और एक्सट्रीमिस्ट फिलोसॉफी अलग हो जाती है। दो हिस्सों में यहां पर INC बांट दी जाती है जिसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है। सूरत स्प्लिट कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और मॉडरेट ग्रुप एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाते हैं सूरत सेशन में, जो कब हुआ था? 1907 में। अभी एक्सट्रीमिस्ट फिलोसॉफी के कौन कौन बड़े नेता थे? लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। और मॉडरेट फेज के सबसे बड़े नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, याद रखो इनका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले। बंगाल के पार्टीशन के समय सबसे बड़े मॉडरेट फेज के नेता थे। अभी ये जो एक्सट्रीमिस्ट फिलोसॉफी यहां पर इमर्ज होती है इसको दबाने के लिए बहुत प्रयास किए गए, इनके न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिए गए, एक्सट्रीमिस्ट लीडर को धीरे धीरे करके संशय के आधार पर भी, मतलब ऐसे किसी के ऊपर डाउट भी आ गया तो उसको भी वो बंदी बना लेते थे, ब्रिटिश गवर्नर या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इसके तहत क्या होता है कि जैसे तैसे करके यहाँ की एक्सट्रीमिस्ट फिलोसॉफी को हमें डिप्रेस करना है, दबा देना है, इसको इमर्ज नहीं होने देना है, यही सिंपल फंडा था। तो जिसमें ये सफल होते हैं क्योंकि मेन जो लीडर थे लोकमान्य तिलक, इनको मंडाले के कारागृह में डाल दिया जाता है जहां से हमें ये मूवमेंट शांत होते हुए दिखाई देती है। अभी गदर पार्टी मूवमेंट क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1913 में, इसके हेड थे द्वारकानाथ दास, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। अभी ये जो मूवमेंट थी गदर मूवमेंट, इसने अपने न्यूज़पेपर भी बनाए और इसका काम क्या था ये भी हम जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स यहाँ के या इंपॉर्टेंट लीडर थे उनके नाम है, और इसकी स्थापना कहां पर हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी सोहन सिंह द्वारा जो भारत के बाहर हुई थी। सबसे पहले तो ये ध्यान में लेते हैं कि नवंबर 1913 में हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना द्वारा, और इन्होंने पब्लिक वीक पेपर यहां पर लॉन्च किया और जिसका नाम था गदर। गदर नाम का ही इन्होंने एक न्यूज़पेपर यहां पर शुरू किया जिसको हिंदुस्तान गदर के भी नाम से जाना जाता है, गदर या फिर हिंदुस्तान गदर। अभी इसमें क्या करते थे? यहां पर कोई न्यूज नहीं छापते थे, इस न्यूज़पेपर में जो भी बातें वो बताते थे वो नेशनलिज्म, भारतीयों के मन में नेशनलिज्म की भावना जोरों से भड़कने लगी, इसके लिए इस गदर, इस न्यूज़पेपर की स्थापना हुई थी और जो काम वो अच्छे से कर पाए। अभी लाला हरदयाल का जो नाम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी मूवमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पर था? जैसे मैंने कहा था ये भारत के बाहर एक नेशनलिस्ट संगठना थी, तो इसका जो हेडक्वार्टर था वो था फ्रांसिस्को में। आगे में है एक कि लाला हरदयाल, भाई परमानंद, रामचंद्र वेर लीडिंग फिगर्स ऑफ द गदर पार्टी मूवमेंट।
ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि दिए नीचे दिए गए नामों में से कौन सा नाम गदर पार्टी मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है। ऐसा पॉजिटिव वे से भी क्वेश्चन बन सकता है और नेगेटिव वे से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे वाले मूवमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।